तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, डूब के मर जाओ कहीं। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या बकवास है? बकवास तो मैंने अभी शुरू की ही नहीं है। मीना? मीना नहीं, रुशना। रुशना हूं मैं। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम जैसे इंसान को पहचान नहीं सकी। तुम मुझसे बदला लेने की ख्वाहिश में इतना गिर सकते हो कि तुमने मेरी बहन को ही घर से उठवा लिया? वो तुम्हारी बहन थी? मेरी अम्मी ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। बरसती बारिश में पता नहीं वो कहाँ चली गई है। क्या, ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पे गुस्सा था ना, तो मुझ पे निकालते। मेरी बहन जैसी कजन का क्या कसूर था जो तुमने उसे दरबदर की ठोकरे खाने पे मजबूर कर दिया? मीना, आई स्वेयर, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ अरहम। मेरी बहन की जिंदगी वैसे ही करते हो जैसी पहले थी। लेकिन भाई उसे छोड़ने गए तो थे। वो इस वक्त घर पे नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि मेरी बहन कहाँ है। मीना, मेरी बात। या अल्लाह, मिरहा की हिफाजत करना। आप मेरी गलती की सजा उसे मत दें। उसका कोई कसूर नहीं है। शरारत मेरी थी, सजा उसे मिल रही है। भाई, भाई, हेलो मुश्ताक, तुम्हें भाई के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, उनका फोन ऑफ जा रहा है, वो रात से घर नहीं आए। नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई उनसे। तुम प्लीज भाई के बारे में पता कराओ यार, उनको ट्रेस करो कि वो कहाँ है। हाँ, अगर कुछ पता लगता है तो मुझे बताना। ओके, खुदा हाफिज।
हेलो आयजा, कहाँ तुम? मेहराब नहीं आया ना तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने? मामा, I'm really sorry, मैंने फ्लाइट कैंसिल करवा दी। क्या पाकिस्तान ही नहीं आई तुम? तो बेटा इन्फॉर्म तो करती मुझे, मैं इतनी परेशान रही हूँ। मामा, उन्होंने अचानक से इतना काम दे दिया कि मैं बता ही नहीं सकी आपको। एंड मामा, आई डोंट थिंक सो मैं पाकिस्तान आ पाऊंगी। अरे बेटा, ये तो तुमने बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ दी है मुझे। तो कब आओगी फिर तुम? मामा, आप परेशान ना हो, मैं जब भी आऊंगी सबसे पहले आपको बताऊंगी। बेटा कोशिश करो ना जल्दी आने की। जी जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आने की। ओके मामा, अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात कर लूँ। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। बच्चे भी आइए। वालेकुम सलाम। ये लड़की कौन है मेहराब? फूफो, ये मेरा है। मेरा कौन? मेरा, मैं आपको सब बताता हूँ। अरम, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ प्लीज। बताओ कौन है ये, क्या हो रहा है ये? हाँ आए बैठे। मैंने बैठना नहीं है, मुझे ये बताओ ये लड़की है कौन और ये दुल्हन की ड्रेस में यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरा? फूफो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मेरा एक करीबी दोस्त है उमेश, उसकी तबीयत शदीद खराब हो गई, बस एक मजबूरी की बिना पर इसको लाना पड़ा। ये बहन है उमेश की। तो किस हैसियत से यहाँ आई है? इसके आगे पीछे कोई नहीं है? और ये जो तुम्हारा दोस्त नुमैस है, इसका नाम मैंने पहले तो कभी नहीं सुना। बस यूं समझें कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे जिसकी बिना पर इसे यहाँ पे लाना पड़ा, लेकिन ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है यहाँ पे। कितने दिन? कोई एक आध हफ्ता। मेहराब, तुम सच बोल रहे हो ना? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं गलत बयान नहीं करूंगा आपसे। किसी चीज की जरूरत हो तो आप साबरा से कह दीजिएगा। साबरा इनको नाश्ता वगैरह दे दो। जी। अरे कुलसुम, हमारे सरों पर खाक डालकर मुंह पे कालक मल के चली गई, भाग गई अपने आशिक के साथ। अरे मैंने खुद उसे गेट पर देखा है किसी लड़के के साथ जाते हुए। अरे मोहल्ले में तो जो बातें बननी थी ना, जो तमाशा बनना था वो तो बन गया। अब तो रिश्तेदार भी माफ नहीं करेंगे मुझे, कई तरह की बातें सुनाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये आप ठीक नहीं कर रही है अम्मी। क्या ठीक नहीं कर रही? कुछ तो खुदा का खौफ करें, क्यों मिर्हा के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही हैं आप? क्या
क्या गलत कह दिया मैंने उस महारानी की शान में? और जो गुल उसने खिलाया वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? आई उसकी हिमायत करने। हमी मिर्हा बेकसूर है, बजाय उसे सफाई का मौका देने के आप उसे खानदान भर में बदनाम कर रही हैं। क्या समझ रखा है मैं कोई बेवकूफ हूँ? आंखों से देखने के बाद भी उसे मौका दे दूं और क्यों ना बताऊं मैं खानदान भर में? आज नहीं तो कल जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। बस अम्मी खुदा के लिए खुद से फर्ज मत कर लिया करे। बस बहुत सजा दे लिया आपने मिर्हा को, बस करे। ये सब करते हुए उसने तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? बोलो। आप ठीक नहीं कर रही हैं। अगर मेरी जगह मिर्हा आपकी बेटी होती तो तब भी यही करती आप उसके साथ? नहीं है ना कोई जवाब? जानती थी अम्मी मिर्हा भी अब कभी नहीं आएंगी। खबरदार खबरदार, इस घर में अगर किसी ने आइंदा मिर्हा का नाम भी लिया तो। और तुम क्या काम कर रही हो इस कमरे में? चलो चलो अपना होमवर्क करो। ये लड़की अपने हुलिये से मेहराब की किसी दोस्त की बहन तो हर किस नहीं लग रही। साफ लग रहा है किसी मामूली मुलाजिम या ऐसी किसी घर की लड़की है। मेहराब के दोस्त की बहन दुल्हन के जोड़े में क्यों आई है? क्या मेहराब की बताई हुई कहानी पे मैं एतबार करूं या कहीं मेहराब ने खुद तो इसे शादी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रुशना एक बात बताओ, कहीं सारी सिचुएशन में तुम्हारा हाथ तो नहीं? नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अपने हर तमाशे में तुम मिर्हा अपी का नाम जो लगा देती हो। मैं मेहराब हूँ, मेहराब इंडस्ट्रीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उससे बोलो जिसके साथ भागी है उसके साथ निकाह करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारे अपनी, बस। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा। चाय पी लो रुशना, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। ऐसे एक बात है, अम्मी ने मिर्हा अपी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक है रे, सारी रात बारिश होती रही, मेरा कितना रो रही थी, अम्मी ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। कृष्णा एक बात बताओ, कहीं सारी सिचुएशन में तुम्हारा हाथ तो नहीं? नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अपने हर तमाशे में तुम मिर्हा अपी का नाम जो लगा देती हो। सब रो तो मत इस तरह, मैं दुआ करूंगी सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप करो। हाँ अच्छा चलो बस करो प्लीज। बीबी जी नाश्ता? मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी, सारा तुम जाओ।
ये मुझे दे दो। मीना ने आपका बड़ा जिक्र किया था, मेरा मतलब है रुशना। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारी इस तरह से मुलाकात होगी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी एक रात में बदल जाएगी और मैं इस तरह अपने घर से बेघर हो जाऊंगी। बिलीव मी, आपको इस घर में वही इज्जत और एहतराम मिलेगा जो आप डिजर्व करती हैं। रुस्वा करके इज्जत देने की बात कुछ अजीब नहीं है अरहम? अजीब तो है, लेकिन ये किसी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ। हम में से ऐसा कोई नहीं चाहता था, शायद किस्मत में ऐसा लिखा था। यही तो बात है आप दोनों भाइयों की, अपने आप को कसूरवार समझने के बजाय किस्मत को इल्जाम देते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है और इसके मदावे की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके भाई ने जो कुछ भी किया अपने एहसास से जुर्म से निकलने के लिए किया, लेकिन जो दाग मेरे दामन पे लग चुका है वो मैं चाहकर भी नहीं धो सकती। मुझे पूरा यकीन है कि भाई आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने भाई की वकालत कर रहे हैं आप? नहीं, अपनी बहन को समझा रहा हूँ कि मुश्किल वक्त आ गया, लेकिन हम इससे भी निकल जाएंगे। नाश्ता कर लीजिए प्लीज। मुश्किल से फूफो से सारी सिचुएशन छुपाई है, अगर हकीकत खुल जाती तो वो कितना बुरा मनाती और मैं खुद कितना शर्मिंदा होता। अल्लाह, इस कदर गर्मी हो गई है बाहर तो, और ऊपर से महंगाई, दिमाग खराब हो जाए इंसान का। खाला माँ आंखें क्यों घुमा रही हैं? जानती हूं आप नाराज हैं मुझसे, मगर आप समझ क्यों नहीं रही? जहां उसका रिश्ता तय हुआ था मेरा वहां शादी नहीं करना चाहती थी, सो उसने अपनी मर्जी कर ली। वो जहां शादी करना चाहती थी वो भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ ये और बात है कि जानकर अनजान बन रही हो। रुशना, रुशना, क्या बात है? घर में कुछ पकेगा भी या सिर्फ सोग मनाया जाएगा? पलवशा से कहो मेरा मूड नहीं है बनाने का। हाँ हाँ भाई, तुम सारी महारानियां ना आंगन में झूले लगाओ और जी भर के पींगे लो, मैं खुद कर लूंगी सारा काम। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मिर्हा नहीं गई इस घर से, किसी का जनाजा उठ गया है। और तुम जाओ हंडिया चढ़ाओ जाकर, ये सब्जी तो ले जाओ, धो के लाकर दो मुझे, मैं काट कर देती हूँ, हंडिया बनाओ। महारानियां सारी की सारी। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? मेरा से वादा किया था, उसकी चची से मिलूंगा, मनाऊंगा उन्हें, सॉरी बोलूंगा। क्या वो आपका सॉरी कबूल कर लेंगे? कोशिश करूंगा।
भाई ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। I'm really sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद ऐसी बात ना करना। भाई आप बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा नहीं। चाय। थैंक यू। मेरा तुम मेरा इंतजार करोगी ना? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। झूठ कहते हैं कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उन लोगों की तरह नहीं, तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और मैं तुम्हारे लिए तो जा रहा हूं ताकि इस घर के हालात बेहतर हो, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तुम्हारे साथ हुई भी सारी ज्यादतियों को अजाला करूंगा जो भी तुम्हारे साथ करते हैं। चाची जान से मुझे कोई गिला नहीं है बहाज, मेरी बड़ी है, मुझे कुछ भी कह सकती है, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। मेरा तुम बहुत अच्छी हो यार, हमेशा ऐसे ही रहना। कर ये वादा जिंदगी भर मुझको ना तू छोड़ना। था गुजारी आई रात वे रात वे। जो कहानी मुझे सुनाई गई वो कितनी सच है। कौन सी कहानी? रातों रात इस घर में आने की नौबत कैसे आई? तुमने जवाब नहीं दिया, किसी ने मजबूर किया था? मेहराब ने नहीं बताया आपको? कब से जानती हो तुम मेहराब को? कल से पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी। सच कह रही हो तुम? जी। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? कैसा चक्कर, आप क्या कह रही हैं? दरअसल आजकल के इस दौर में किसी भरोसा नहीं किया जा सकता ना, इसलिए पूछ रही हूं। मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले एक दफा अपने भतीजे से जरूर पूछ लीजिएगा। आज से पहले मेहराब के लहजे में ऐसी हिचकिचाहट नहीं सुनी ना मैंने, इसलिए पूछ रही थी। तुम्हारा सामान कहाँ है? चेंज नहीं करोगी? यही पूछने आई थी मैं। वो मेरा सामान गाड़ी में है शायद। साबरा, साबरा। जी बीबी जी। वो आयजा बीबी की वार्डरोब से एक सूट निकाल कर ना मेरा बीबी को दे दो। पुराना सूट। जो कहा है वो करो। जी अच्छा ठीक है। ये ले जाओ। रुको मैं जाती हूँ, जाओ तुम किचन में। तुम
तुम फिर आ गई यहाँ? सलामकुम जी, मैं मेहराब हूँ, मेहराब इंडस्ट्रीज। क्या मसला? जी भर गया मेरा से। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, मैंने मेरा से वादा किया था कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। घर से भागने वाली लड़की के लिए दरवाजे बार बार नहीं खोले जाते। देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। इस सब में मेरा का कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ आपसे मिलके गलत फहमी दूर कर। कौन सी गलत फहमी? कौन सी गलत फहमी? आंटी, आंखों की देखी गलत भी हो सकती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उससे बोलो जिसके साथ भागी है, उसके साथ निकाह करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारे अपनी, बस। आप घर गए थे ना, आपकी बात हुई चाचा जान से? हाँ, क्या था मैं? उन्होंने यकीन किया मेरी बेगुनाही पर? पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे। आपकी शादी मिर्हा से ही होगी। मैं किसी और को मिर्हा की जगह लेने नहीं दूंगी। फिक्र नहीं करो, जिसको दिल में बसाया है उसको घर में भी बसाऊंगा। मिर्हा के साथ जो कुछ भी हुआ, अरहम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा। पागल समझ रखा है, सब कुछ कर लो फिर गलत फहमी का रंग दे दो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अरे कौन था? उसकी बेगुनाही साबित करने आया था। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिसके साथ मुंह काला करके गई है मनहूस मेरा। खुद तो आई नहीं, उसे भेज दिया, ऐसे जैसे मैं तो उसी के इंतजार में बैठी। उसने कुछ बताया मेरा कैसी है? ठीक तो है ना वो? आपने मुझे बाहर क्यों नहीं बुलाया? क्यों बुला लेती? तुम्हें उसके निकाह में जाना था क्या? निकाह? हम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा कभी भी उन धोखेबाज और दगाबाज लोगों के साथ निकाह विकाह नहीं करेगी। मेरा मर गई हम सबके लिए, खबरदार इस घर में किसी ने उसका नाम भी लिया तो। हमी, आप ज्यादती कर रही हो। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। सुना तुमने? चल जाओ, काम करो अपना। भाई, फिर क्या कहा उन्होंने? बात सुनने से इनकार कर दिया उन्होंने, ये आसानी से नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अब गलती हो गई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप माफ ना करें। जितनी बड़ी गलती है, माफी भी उतनी मुश्किल से मिलेगी। आप तो अपनी गलती की माफी मांगने गए थे ना, उन्हें भी तो आपकी सुननी चाहिए। उनकी अपनी सोच है, सोच क्या कि मजबूर है। बीच में एक रात भी तो गुजरी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई, वो अपनी इज्जत बचाने को माफ कर सकते थे। उन्हें मजबूर भी तो नहीं कर सकते हम। मुझे उनसे बात कर लेने दें, मैं देखता हूं वो कैसे नहीं मानते। अरम, मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरी वकालत करने चले जाओ वहां पे। नहीं भाई, दिस इज इंसल्टिंग, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अरम, मेरा मसला है ना, मैं कर लूंगा। ये हम सबका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आराम, अगर तुमने ये बात दोबारा की ना, तो मुझे ये एहसास होगा जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है। तुम्हें लिए बहुत ज्यादा अजीज हो आराम, तुम्हारी खातिर से कई बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता हूं मैं।
अकेला खाला ठीक कह रही थी। ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था। नहीं गुफरान भाई, ऐसी कोई बात, आप पलवशा से पूछ ले, बताओ जरा। मेरा आपी कभी भी किसी से इम्प्रेस नहीं होती, ये आदत तो रुशना की है। तुमने फिर बकवास कर दी, तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? चुप रहना चाहती हूँ, लेकिन गुफरान भाई मैं आपको भी कुछ बताना चाहती हूँ। क्या क्या बोलना चाहती हो बताओ, तुम मुझे बताओ, उनको क्या बताओगी मुझे बताओ। अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ रही हो आपस में? पलवशा तुम ही चुप हो जाओ, तुम तो समझदार हो ना। चलो भाई, पलवशा समझदार है, मुझे तो कोई समझ ही नहीं है। अरे भाई मैं तो लड़ाई रुकवाने के लिए इसे समझदार बोल रहा था। हाँ तो आप मुझे समझदार कह के लड़ाई खत्म नहीं करवा सकते थे? हाँ तो जो समझदार होगा उसी को समझदार कहेंगे। हाँ जिसने समझदार बोला वो बहुत समझदार है ना जैसे। अरे भाई मैं तो मिर्हा के मसले के लिए आया था, तुम लोग मुझ पे शुरू हो गए। तो फिर मिर्हा की बात करें ना प्लीज। आप घर गए थे ना, आपकी बात हुई चाचा जान से? हाँ क्या था मैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यकीन किया मेरी बेगुनाही पर? इतना आसान नहीं है, कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त? पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे। और फूफो, उन्हें क्या बताया आपने? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें बहुत जल्द हकीकत का इल्म हो सकता है। तुमने खाना वगैरह सही से खाया कि नहीं? किसी भी चीज की जरूरत हो तो साबरा को बता देना। चलो मम्मी, क्या बात है, आज घर में बड़ी खामोशी है, सब खैरियत तो है? अरे भाई वही रोज के रोने, बाकी सब ठीक है। अच्छा वो रात को मिर्हा के हवाले से ख्वाब देखा था मैंने, बहुत रो रही थी बेचारी। आपने कुछ कहा तो नहीं है उसे? बेटा तू वहां नौकरी करने गया है या इश्क आशिकी बखारने? मम्मी आप जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं दिलाएंगी कि वो सिर्फ मेरी है, मेरे से नौकरी वोकरी नहीं होगी और मैं परेशान भी रहूंगा हमेशा। तो क्या तू उस छिटांग भर की लड़की के लिए नौकरी पर लात मार देगा, अपना मुस्तकबिल तबाह कर देगा? अरे कैसी मुसीबतों से भेजा है मैंने तुझे बाहर? तभी तो कह रहा हूँ रिश्ता पक्का कर दे मेरा मिर्हा के साथ। वो यहाँ हो तो बात करूँ ना उससे मैं। क्यों कहाँ गई इस टाइम? अम्मी मुझे बात करने दे वहाज भाई से। तुम कर लो भाई बात। वहाज भाई आप परेशान नहीं हो, आपकी शादी मिर्हा से ही होगी, मैं किसी और को मिर्हा की जगह लेने नहीं दूंगी। हाँ हाँ हम दोनों की पसंद तो वही है, अम्मी को इतराज है उससे पता नहीं क्यों। अम्मी को मैं किसी ना किसी तरह मना लूंगी, बस आप अपनी बात से पीछे मत हटिएगा और ना ही किसी और लड़की के चक्कर में पड़िएगा। फिक्र नहीं करो, जिसको दिल में बसाया है उसको घर में भी बसाऊंगा। पक्की बात ना? 100%। अच्छा वैसे मैडम है कहाँ? बात तो कराओ, काफी टाइम हुआ बात नहीं की इनसे। मेरा अभी घर पे नहीं है। क्यों इस वक्त कहाँ गई थी? माजदा खाला के साथ बाजार तक गई है। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, और हाँ जब वो वापस आए तो प्लीज मेरी बात जरूर करा देना। हाँ मैं जैसे ही वापस आती हूँ मैं आपकी बात करवाती हूँ। मिर्हा के साथ जो कुछ भी हुआ अरहम मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिर्हा
उस लड़की का सामान अभी तक गाड़ी में रखा हुआ है, किसी को कहकर निकलवाया क्यों नहीं? कौन सा सामान? वही कपड़े वगैरह। सॉरी यार, बिल्कुल भूल गया। अच्छा, फिलहाल तो मैंने कुछ इंतजाम कर दिया है। शुक्रिया, कल मैं शॉपिंग करवा दूंगा उसको कहीं से। तुम खुद शॉपिंग कराओगे? नहीं यार, समीना आंटी है ना, उनका बुटीक है, उनको कह दूंगा। उस लड़की को दारुल अमान से लाए हो तुम? मेरा कुछ कहा आपसे? अभी तक तो नहीं। मैं चलता हूं। जो कहानी मुझे सुनाई गई वो कितनी सच है, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? दरअसल आज के इस दौर में किसी भरोसा नहीं किया जा सकता ना, इसलिए पूछ रही हूं। आज से पहले मेहराब के लहजे में ऐसी हिचकिचाहट नहीं सुनी ना मैंने, इसलिए पूछ रही थी। इतना आसान नहीं है, कुछ वक्त लगेगा। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हालात जल्दी बेहतर हो जाएंगे। इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा।